गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे हम डेटा एंट्री सीखेंगे। और डेटा एंट्री क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ना कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को मेंटेन करता है। ये जब तक नहीं आता है ना, तब तक आप पूर्ण रूप से इंजीनियर नहीं कहलाता। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है। इसके बगैर इससे हम ये भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी या सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जीडीएनटी क्या है? जी का मतलब जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक का मतलब होगा शेप। कोई सा चीज है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सिलेंड्रिसिटी है, बेलनाकार कोई चीज है। अगर कोई चीज है, मान सपोज है ये चीज है, ये आकार होना चाहिए, तो इसका कोई डायमेंशन होगा। अब डायमेंशन होगा तो इसका टॉलरेंस भी होगा, ठीक है। तो जेडीएनटी को 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है फॉर्म कंट्रोल, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है ओरिएंटेशन, और चौथा है प्रोफाइल, और पांचवा है रोना। इन 5 ग्रुप में टोटल 14 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेडीएनटी का, उसको बांट दिया गया है। जो पहला कंट्रोल है फॉर्म कंट्रोल में 4 आते हैं। 4 जो है ब्राइटनेस है, स्ट्रेटनेस है, राउंडनेस है, सिलेंड्रिसिटी है, और इसका एक सैंपल है। और लोकेशन में लोकेशन के अगर पोजीशन देखता है तो हम सिलेंड्रिसिटी देखता है, सिमेट्री देखता है, और ओरिएंटेशन में पैरेलेलिज्म है, परपेंडिकुलरिटी है, और एंगुलरिटी है, ठीक है। और प्रोफाइल में क्या देखते हैं? प्रोफाइल ऑफ द लाइन, प्रोफाइल ऑफ द सर्फेस। और रन आउट में क्या देखते हैं? सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट। सबसे अच्छा बात मैं आप लोगों को डीडीएनटी की ये बता रहा हूँ ना, कैसे इसको याद रखना है। आप मूवी देखते हैं ना, हिंदी मूवी, आप फिल्म को क्या करते हैं, जो फिल्म होती है ये फ्लॉप हो गया, फ्लॉप है, आर करते हैं, रिजेक्ट है मेरे तरफ से। तो एक फ्लॉप वर्ड सिर्फ याद रखिएगा ना, FLOP, FLOP और आर, फ्लॉप आर, इससे आपका डीडीएनटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्लॉप आर सिर्फ याद रखिएगा, फ्लॉप स्पेलिंग फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप और आर, इससे आपके सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये 14 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ आजाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनमें डेटम का यूज नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनको डेटम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो एक्सिस से सेंटर से चेक होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आज आपको लाइव इंट्रोडक्शन ही दूंगा डीडीएनटी का, कल इसके बारे में हम एक एक उठाकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, कैसे चेक करते हैं, मतलब पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल हम कल करेंगे फॉर्म कंट्रोल का, ठीक है। और उसके लिए कौन कौन से करीब 20-22 प्रकार का मेजरमेंट यूज किया जाता है डीडीएनटी में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए देखिए ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, नो डेटम का यूज नहीं होता है। इसमें डेटम चाहिए, इसमें डेटम चाहिए, ये न्यूट्रल है, इसको चाहिए भी और नहीं चाहिए भी। और इसमें ये एक्सियल है, ये हमेशा सेंटर से चेक किया जाता है, मतलब सेंटर लाइन से चेक किया जाता है, एक्सियल कहते हैं। इसका सैंपल इस प्रकार से है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सही रहेगा। ओके, थैंक यू।